आवारा मनचले लड़कों से परेशान होकर छात्रा ने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अधर में छोड़ दी। लड़की का इससे भी मन नहीं भरा तो जबरदस्ती परिवार वालों के साथ मिलकर जबरन शादी के लिए दबाव बनाने लगा। छात्रा को धमकी दी, अगर शादी नहीं की तो तेरी सूरत बिगाड़ दूंगा। दरअसल पूरा मामला जनपद सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के गाँव भगवतपुर टोंगिया का है, जहाँ 6 माह तक परेशान होकर छात्रा ने अपनी पूरी आपबीती अपनी बहन को बताई। उसकी बहन और जीजा ने आरोपी लड़के के घर वालों को अपने बेटे को समझाने को कहा, लेकिन मन चले पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। नतीजन पीड़ित लड़की आरजू ने परेशान होकर 9 सितंबर को इस पूरे मामले की लिखित शिकायत बिहारीगढ़ थाने में की थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन सहारनपुर SSP को जाकर पूरा मामला बताया। SSP के आदेश पर आज बिहारीगढ़ थाने में आरोपी विपिन उसकी माँ और पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसके पिता लक्ष्मी चंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि मंचल आरोपी विपिन अभी भी घर से फरार चल रहा है। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम आरजू, मैं अपनी दीदी के यहाँ पर रह रही हूँ। अच्छा जी, लक्ष्मी चंद का लड़का विपिन मुझे 5-6 महीने से परेशान कर रहा था, तो मैंने जब मुझे परेशान करने लगा जी, मैंने तंग में आकर अपनी दीदी को बताया। दीदी ने उनके घर वालों को समझाने की कोशिश करी, उसके लड़के को समझाने के बल्कि और उसका साथ देने लगे। लड़के ने मुझे धमकी दी, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें बदनाम करके इस तरह मारूंगा कि तुम मर के भी किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ूंगा जी। और उसका पिता भी मुझे कहने लगा कि 3 बार मुझे बुला के कहा कि तुम्हारा विपिन में कोई मैटर है, मैंने मना कर दिया, मेरा कोई मैटर नहीं है। तो उसके बाद उसके पिताजी ने मुझे कहा कि तुम बता दो, मैं तुम्हारा कोर्ट मैरिज करके इतनी दूर भेज दूंगा कि किसी को पता नहीं लगा देने का पुलिस वालों तक। मेरे बहन है, मेरे मम्मा की लड़की, मैंने अपने लिए रख रखी है, तो इसके माँ बाप तक थे नहीं, मैंने रख लिया, परवस करी, फिर मैं स्कूल में भेजती रही, सुंदरपुर दाखला दवाने की जरूरत करी, जो पहले छेड़छाड़ खानी करता रहा, इसकी वजह से हमने दाखला नहीं दुआ, इसके माँ बाप समझाए, मैं मानने नहीं।